नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम गाइड गुरु में। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के बारे में। ये दोस्तों हमारा भाग टू रहेगा हिंदी का। इससे पहले भाग वन हम अपने YouTube चैनल पर डाल चुके हैं दोस्तों, उसकी लिंक जो है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे कि जिस टाइप से एग्जाम में आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी से संबंधित, हम उसी टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। इस समूह टू, उप समूह फोर, विसर्ण संघ परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर एवं अन्य व्यापम जो परीक्षाएं कराता है उनके लिए ये हिंदी महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें वो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? यहां पर समास पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। रातों रात का अगर हम समास विग्रह करें तो रातों रात का समास विग्रह क्या होगा? रात ही रात में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। सरस्वत्याराधन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक होगा तो वो कौन सा होगा? वो होगा सरस्वती धन आराधन। इसका सेकंड वाला आंसर जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुबंत में कौन सी संधि है। तो इसमें रहेगी व्यंजन संधि। इसका आंसर क्या रहेगा? सुप धन अंत इसका सही आंसर होगा। और इसमें संधि रहेगी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखेंगे। पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक में हिंदी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर बताइए कि सर हमारे लिए इस टॉपिक में दिक्कत आती है, तो हम उसका आपके लिए अलग से वीडियो भी तैयार कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं, मैं गर्म प्याला चाय चाहता हूँ। तो इसके आप ऑप्शन पढ़ लेना, मैं इसके सिर्फ आपको आंसर टिक करा दे रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा? मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ। मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ, ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या होगा? निम्न में से जीवन मुक्त का समास विग्रह क्या होगा? तो जीवन मुक्त का समास विग्रह होगा जीवन से मुक्त। इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखेंगे। डाकू का पर्यायवाची। दोस्तों पर्यायवाची तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। आप किसी भी एक बुक को पकड़िए और आप पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, इस टाइप के जो भी आते हैं एग्जाम में वो आप वहां से याद कर सकते हैं। तो डाकू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? डाकू का पर्यायवाची शब्द होगा बटमार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुराने पेपरों में ये पूछे गए हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकते हैं। मतैक शब्द के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा मत धन एक के, ए इसका सही आंसर होगा। तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगी दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। शिथिल के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? तो इसके शिथिल के पर्यायवाची होंगे सुस्त, ढीला और धीमा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परिसरिक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको पहचानना है इन चार में से शुद्ध कौन सा है। इसमें तीन शुद्ध दिए गए हैं, चार में से एक शुद्ध दिया गया है, तो आपको पहचानना है कि शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध होगा इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं, इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। आंख दिखाना मुहावरे का निम्न में से कौन सा सही अर्थ है? तो आंख दिखाना का रहेगा धमकाना। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भी भेजी जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्रतिलिपि। नेक्स्ट प्रश्न। प्रत्यय क्या है? इसके बारे में हम पिछले जो वीडियो डाला था, भाग वन था जो हमारा हिंदी का, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रत्यय क्या है। तो इसका आंसर रहेगा शब्दांश। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अधीक्षक।
नेक्स्ट, राजीव, मृणाल तथा पद आदि निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ए रहेंगे किसके, कमल के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। पहले तो हम देखेंगे संसार में कौन सी संधि है, तो संसार में संधि है व्यंजन संधि, और इसका जो है संधि विच्छेद कैसे होगा, तो सम धन सार इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न, व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी वाणिज्यिक हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न, 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है? यहाँ पर दोस्तों विशेषण पूछा गया है इस प्रश्न में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर विशेषण होता क्या है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, रंग, आकार, परिणाम आदि बतलाने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जैसे काली गाय, तो गाय कैसी है, काली है, ये उसकी विशेषता बतला रहा है। अच्छा लड़का, लड़का कैसा है, अच्छा, ये उसकी विशेषता है। तो थोड़ा दूध, कितना दूध, थोड़ा सा। तो इस टाइप के प्रश्न अगर आप इसमें पूछे जाते हैं, तो इसमें ये भी कितने प्रकार के होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। जो बहुत सी या फिर जो वस्तु की नाप या तौल का बोध कराए उसे ही परिमाणवाचक कहते हैं। इसमें क्या नाप तौल का बोध कराए, तो यहाँ पर क्या नाप तौल का बोध हो रहा है, 2 किलो अनाज, नाप तौल की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या दो प्रकार के विशेषण होते हैं, एक निश्चित परिमाण, मतलब ये जो परिणामवाचक हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जो निश्चित परिमाणवाचक होता है उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा 2 लीटर, 3 लीटर या 1 किलो, 2 किलो, इस टाइप का। और अगर हम बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक की, तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा थोड़ा, कुछ, कम या सारा, इस टाइप के इसमें पूछे जाएंगे। तो ये होता है परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, माथा थनकना, माथा फूटना, आंखें चुराना या कान खड़े होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा माथा फूटना, मुहावरा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के से हेर फेर के सिवाय प्रायः समान है किंतु अर्थ में भिन्नता पाई जाती है? तो उसका आंसर रहेगा शब्द युग्म। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ये इच्छावाचक है, क्योंकि आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं तो इच्छावाचक होगा। अगर आप ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, अगर ऐसा आ जाता है कि भगवान आपकी, मतलब यात्रा आपकी मंगलमय हो, तो उसमें भी इच्छावाचक ही रहेगा। अपन बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, उसमें भी इच्छावाचक ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न वाक्यों में से उद्धरण चिन्ह वाले शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य ही बताना है, तो मैं इसमें सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूं, आप बाकी चारों को पढ़ना पहले, फिर आप सही क्लिक करना। इसका सही आंसर क्या होगा, माँ ने कहा मैं देर से घर लौटूंगी, तुम अपना पाठ अवश्य याद कर लेना, ये इसका सही होगा। अगला प्रश्न, काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है पहले नहीं, निम्न में से यह किस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, यह मोह और मसूर की दाल, हथेली पर सरसों नहीं जमती, सहज पके सो मीठा पकवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो इसका आंसर होगा हथेली पर सरसों नहीं जमती। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में कुछ के विशेषण का भेद बताइए। यहाँ पर भी विशेषण का एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर होगा संख्यावाचक, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध पीकर, दीदी से कहानी सुनकर बच्चा सो गया, इसमें इस वाक्य में किस चिन्ह को संबोधित करता है? तो इस चिन्ह में करेगा अल्पविराम, यहां पर इसका आंसर रहेगा ए, अल्पविराम चिन्ह ए वाला, डी नंबर का अल्पविराम ऐसा लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन किस संधि को कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, पड़ बैया में प्रत्यय क्या होगा? तो ये होगा इया। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा वो भी देखते हैं। वह कैसा सुंदर दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? वह कैसा सुंदर वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा विस्मय आदि बोधक वाचक। तनु का पर्यायवाची क्या होगा? तो तनु का पर्यायवाची होता है शरीर। अगला प्रश्न देखेंगे, निस्तेज का संधि विच्छेद बताइए। निस्तेज का संधि विच्छेद बताइए, ये पूछा गया है। तो निस्तेज कहता है नि धन तेज, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि होगी। महोदार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन औदार्य, इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगी दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। आज के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हुआ वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।